Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English. And in English, today we are going to start a new poem. Today we will do a new poem and name of that rhyme, or you can say poem, is Oats and Beans and Barley Grow. So students, let's start our today's class. Oats and beans and barley grow. Oats and beans and barley grow. Now let us see that what are oats, beans and barley. This is oat. ये क्या है? Oat है, या आप oats कह सकते हैं. ये बहुत सारे यहाँ पर oats हैं. So there are some oats on the screen. और ये क्या है? ये होते हैं बार्ले. क्या होते हैं? बार्ले, ब आर बार ल ए, बार्ले. ये क्या है? बार्ले. एंड ये क्या है? बीन्स, ब Beans, beans. So, oats and beans and barley grow. अब इस राइम में क्या कह रहा है कि ओट्स, बीन्स, बार्ली, ये सब क्या होते हैं? ग्रो होते हैं. इन्हें ग्रो किया जाता है, इन्हें उगाया जाता है. डू यू और एनीबॉडी नो, क्या आपको या फिर किसी और को पता है? How oats and beans and barley grow? कि जो oats हैं, beans हैं और जो barley हैं, इन्हें grow किया कैसे जाता है? अब आप सभी को ये तो पता है कि oats, beans और जो barley हैं, ये सब, इन सभी चीजों को grow किया जाता है, उगाया जाता है. लेकिन क्या आपको या फिर किसी और को ये पता है कि इन्हें कैसे grow किया जाता है, इन्हें कैसे उगाया जाता है? Oats and beans and barley grow. Do you or anybody know how oats and beans and barley grow? Again, oats and beans and barley grow. Do you or anybody know how oats and beans and barley grow? Now let us see that how oats and beans and barley grow. First the farmer plants the seed. First मतलब सबसे पहले जो farmer है, फार्मर मतलब जो किसान है, वो क्या करता है? प्लांट्स द सीड, मतलब सीड को प्लांट करता है, सीड को बोता है. जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर क्या हो रहा है? सीड्स को प्लांट किया जा रहा है. सो फर्स्ट द फार्मर प्लांट्स द सीड. क्या करता है सबसे पहले फार्मर? First, the farmer plants the seed. सबसे पहले फार्मर का क्या काम होता है कि वो सीड को बोता है जमीन में.
और उसके बाद वो क्या करता है, स्टैंड्स इरेक्ट एंड टेक्स हिज ईज। क्या करता है वो, स्टैंड्स इरेक्ट। नाउ यू विल से मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है। सो नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेक्ट। मीनिंग ऑफ इरेक्ट इज स्ट्रेट। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा। सो स्टैंड्स इरेक्ट, स्टैंड्स इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब मीनिंग ऑफ इरेक्ट इज स्ट्रेट। एंड टेक्स हिज ईज, टेक्स हिज ईज। Now, what is the meaning of takes his ease? Now, what is the meaning of takes his ease? Meaning of takes his ease means stands comfortably. Stands comfortably मतलब वो आराम से खड़ा होता है, बिल्कुल comfortable होकर वो खड़ा होता है. So, stands erect and takes his ईज। तो अब फार्मर क्या करता है, जब वो सीड को जमीन में बो देता है, प्लांट कर देता है, आफ्टर प्लांटिंग द सीड वो क्या करता है, ही स्टैंड्स इरेक्ट। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर क्या है, फार्मर है एक, और वो कैसे खड़े हैं, बिल्कुल इरेक्ट होकर खड़े हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हैं। सो स्टैंड इरेक्ट एंड takes his ease, मतलब वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, आराम से comfortable होकर। चलिए अब देखते हैं इसके बाद farmer क्या करता है। stamps his feet and claps his hands। अब जब वो इरेक्ट खड़ा हो जाता है, आराम से कंफर्टेबल होकर, तो उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो स्टैम्प्स हिज फीट, अपने फीट से वो एक तरह से जैसे हम नोटबुक में पेपर पर स्टैम्प लगाते हैं, वैसे ही वो अपने लेग से क्या करता है, जमीन पर मारता है, ऐसे स्टैम्प करता है। सो स्टैम्प्स हिज फीट मतलब वो अपने पैर को जमीन पर मारता है, और क्या करता है साथ में, एंड claps his hands, पर अपने हैंड से क्या करता है, क्लैप करके जो भी हाथ में थोड़ी बहुत मिट्टी लग जाती है, बिकॉज जब फार्मर ने सीड को जमीन में बोया है तो उसके हैंड्स में क्या लगेगी, थोड़ा बहुत मिट्टी तो जरूर लगेगा। तो क्या करता है, stamps his feet, सबसे पहले तो अपने फीट को, अपने पैर को क्या करता है, स्टैम्प करता है, जमीन पर मारता है। एंड आफ्टर इट ही claps his hands, वो अपने हैंड से क्लैप करता है, और उससे क्या होता है, जितनी भी मिट्टी, जितनी भी धूल उसके हाथ में लगी होती है वो झड़ जाती है। Now let us see कि इसके बाद फार्मर क्या करता है। एंड turns around to view his land. After stamping his feet and after clapping his feet, farmer क्या कर रहा है? Farmer खड़े होकर turn around, मतलब इधर उधर आराम से turn करता है, इधर उधर देखता है, क्या देखता है? अपनी पूरी land को वो देखता है। अब after stamping his feet and after clapping his hands, क्या करता है farmer? Turn around to view his land. चलिए अब हम इस first stanza को एक साथ पढ़ते हैं। Let us see. First the farmer plants the seeds, stands erect and takes his ease, stamps his feet and claps his hands and turn around to view his land.
Then the farmer waters the ground. अब उसके बाद farmer क्या करता है? Then the farmer waters the ground. अब जब उसने seed को जमीन में बो दिया है, तो वो उसके बाद क्या करेगा? उसको पानी देना तो बहुत ही ज़्यादा important है. It's very important to water. तो अब farmer क्या कर रहा है? Then the farmer waters the ground. फार्मर क्या कर रहा है? जहाँ जिस ग्राउंड में उसने अपनी सीड को प्लांट किया है, अपनी सीड को बोया है, वहां पर वो पानी दे रहा है. एंड आफ्टर वॉटरिंग द ग्राउंड ही watches the sunshine all around मतलब उसके आसपास वो क्या करता है? सबसे पहले तो वो क्या करता है? After watering the ground, वो sun को देखता है. क्या करता है? Sun को देखता है. और उसके बाद वो क्या करता है? सन से क्या निकलती है? सन से उसकी सूरज की किरणें निकलती है, सनशाइन आती है. तो वो सूरज को देखता है और उसे क्या दिखता है कि पूरी तरफ क्या है? बहुत ही ज्यादा रोशनी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो वॉचेस द सनशाइन, सनशाइन मतलब सूरज की किरणें ऑल अराउंड. तो वहां पर वो क्या करता है? अब आफ्टर वॉटरिंग द ग्राउंड फार्मर क्या कर रहा है? यहाँ पर सनशाइन को देख रहा है. Now let us see. Stamps his feet and claps his hand and turns around to view his land. और फिर दोबारा से वो क्या करता है? Stamps his feet, अपने feet को stamp करता है, and claps his hand, अपने hand से clapping करता है, and turns around to view his land. Now let us see full stanza. Then the farmer waters the ground, watches the sunshine all around, stamps his feet and claps his hands and turn around to view his land. Next the farmer hoes the weeds. अब farmer क्या करता है? Next the farmer hoes the weeds. Now you will say, ma'am, what is the meaning of hose? Hose का मतलब क्या होता है? Hose का मतलब होता है takes away wild plants near the seeds using a long tool. अब क्या हो जाता है? जो plants के जब हम seed को grow करते हैं, सीड को प्लांट करते हैं, तो उसके पास में कभी कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं. तो उनको हम क्या करते हैं? एक लंबे जो टूल होता है, एक लंबा सा जो टूल होता है, उसकी हेल्प से हम उसे वहां से निकाल देते हैं. सो नेक्स्ट द फार्मर होज द वीड्स. Now weeds. Meaning of weeds is wild plant. मतलब जंगली जो plants होते हैं, जो हमारे किसी भी use के नहीं होते हैं, जब वो हमारी seeds के पास या फिर जहाँ पर हमने अपना plant grow किया है, उसके पास अगर weeds grow करती हैं, मतलब weeds मतलब wild plants जो है वो grow करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं, या फिर हम एक लंबे से tool की help से उन्हें वहां से निकाल कर फेंक देते हैं. सो नेक्स्ट द फार्मर होज द वीड्स. नाउ एज यू कैन सी, ये क्या है? एक लंबा टूल है जिसकी हेल्प से ये फार्मर क्या कर रहा है? अब देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारी जो वीड्स है, मतलब वाइल्ड प्लांट्स है, वो ग्रो कर गई हैं. तो अब वो क्या कर रहा है? वो इस लॉन्ग टूल की हेल्प से उन्हें यहाँ से उखाड़ कर फेंक रहा है.
Now as you can see यहाँ पर भी एक लंबा सा टूल है और आप उन्हें अपने हैंड से भी उखाड़ सकते हैं। He stamps his feet and claps his hand and turn around to view his land and again इसके बाद वो क्या करता है अपने फीट को स्टैम्प करता है और अपने हैंड्स को क्लैप करके वो क्या करता है टर्न अराउंड टू व्यू हिज लैंड। नेक्स्ट द फार्मर होज द वीड्स स्टैंड इरेक्ट्स एंड टेक्स हिज ईज स्टैम्प्स हिज फीट एंड क्लैप्स हिज हैंड एंड टर्न अराउंड टू View his land. So students, ये थी आपकी आज की राइम। I hope कि आपको ये राइम बहुत 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 अच्छी लगी होगी क्योंकि मुझे भी ये राइम बहुत अच्छी लगी है। तो चलिए एक बार हम दोबारा से इस राइम को शुरू से करते हैं। Oats and beans and barley grow. Oats and beans and barley grow. Do you or anybody know how oats and beans and barley grow? First, the farmer plants the seeds, stands erect and takes his ease, stamps his feet and claps his hand and turns around to view his land. Then the farmer waters the ground, watches the sunshine all around, stamps his feet and claps his hand and turns around to view his land. Next, the farmer hoes the weeds, stands erect and takes his ease, stamps his feet and claps his hand and turns around to view his land. So students, what you have to do is you have to learn this rhyme. आपको ये rhyme को बहुत अच्छे से learn करनी है और आपको क्या करना है, मैंने बीच में आपको कुछ word meanings कराए हैं इस rhyme में, वो word meanings आपको क्या करने हैं अपनी English notebook में लिखने हैं and you have to learn those word meanings as well. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.